रास्ते में कई भिखारी मिलते होंगे। ट्रैफिक लाइट पर तो ये काफी संख्या में देखे जा सकते हैं, और जब ये आपकी गाड़ी के पास आते हैं तो आप भी एक दो रुपए इन भिखारियों को दे ही देते हैं। लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि जिन भिखारियों को आप एक दो रुपए दे रहे हैं वो वास्तव में करोड़ों के मालिक हो सकते हैं। ये एक अजीबोगरीब सच्चाई है। हेलो दोस्तों, मैं हूं शरद और आप देख रहे हैं इंडियन मिस्ट्रीज। चलिए आज आपको उन भिखारियों से मिलवाते हैं जो कि भारत के सबसे अमीर भिखारियों में से एक है, भरत जैन। मुंबई के भरत जैन, जिनके पास 70-70 लाख रुपए के दो फ्लैट हैं, लेकिन इनका काम है भीख मांगना। फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाले भिखारी भरत जैन 50 साल के हैं। ये जनाब रोजाना 8 से 10 घंटे मुंबई के परेल पर भीख मांगते हैं और महीने के करीब 65,000 रुपए कमा लेते हैं। भरत भांडुप इलाके में एक जूस की दुकान के मालिक हैं। इसी जगह पर इनकी एक और दुकान है जिससे इनको 10,000 रुपए महीने का किराया मिलता है। पप्पू कुमार, ये जनाब पटना से आते हैं। इनका बैंक बैलेंस 1 करोड़ से ऊपर है, फिर भी लोगों से ये कहकर भीख मांगते हैं कि कई दिनों से खाना नहीं खाया, कुछ खाने के लिए रुपए दे दो, और अपने लड़के को इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा रहे हैं। है ना मजेदार। मासूम, ये साहब फिल्म स्टूडियो में कपड़े बदलकर ऑटो से भीख मांगने वाली जगह पर पहुंचते हैं। मासू भी मुंबई के परेल से ताल्लुक रखते हैं, वहां उनका खुद का एक कमरे का फ्लैट है, साथ ही 30 लाख रुपए की अन्य संपत्ति है। कृष्ण कुमार गीते, नलोसपुरा में रहने वाला कृष्ण कुमार गीते अपने भाई के साथ अपने खुद के फ्लैट में मजे से रहता है। वो दिन में 8 से 10 घंटे भीख मांगता है और महीने में 10 से 15 हजार रुपए कमा लेता है। इसके अलावा कृष्ण कुमार के पास बैंक में लाखों रुपए जमा है। सार्वितिया देवी, इनसे मिलिए। यह है भारत की सबसे प्रसिद्ध महिला भिखारी सार्वितिया देवी। ये पटना में रहती है और सालाना 36,000 रुपए LIC प्रीमियम का भुगतान करती है। भीख से हुई आमदनी से ये अपनी बेटी की शादी कर चुकी है और इनके पास भी खुद का घर है। संभाजी काले, संभाजी भिखारी मुंबई के स्लम क्षेत्र विरार से आते हैं। इनकी रोजाना आमदनी 1500 रुपए है। इसके अलावा इनके पास खुद के 2 घर और इतने ही प्लॉट है। हाजी मुंबई से हैं। इनकी रोजाना की आमदनी 2000 रुपए है। त्योहारों के वक्त इनकी आमदनी बढ़ जाती है। इनके पास खुद का घर है और साथ में लगभग 15 लाख तक के प्लॉट्स। इसके अलावा हाजी का खुद का जरी का कारखाना भी है जहां 15 लोग काम करते हैं। तो ये है भारत के 7 भिखारी जो हर सुविधा से संपन्न है। इनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। इनके पास खुद का बिजनेस है, दुकानें हैं और बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए हैं। इसके बावजूद भीख मांगना इनका पेशा है।